एक साधारण से घर में आजाद कुटिया का नजारा आप सबने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उसमें को चित्र में ही देख पाया हूं। एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ चंद्रशेखर आजाद, जिसके पिता एक बाग में एक माली की नौकरी करते थे, मां एक साधारण गृहिणी, लेकिन ईमानदारी का जज्बा देखिए। आर्थिक हालात इतनी खराब थी घर की कि एक बार मैंने सुना है कि मां जगरानी वो पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई। जब चंद्रशेखर आजाद के पिता सीताराम तिवारी को पता लगा कि पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई है, तुरंत वापस भेजा कि हमारे पास जितना है हम उसमें गुजारा कर लेंगे, हमें किसी के दूसरे के घर की उधारी नहीं चाहिए। माने गरीबी हो सकती है लेकिन दिल में कितना स्वाभिमान। मैंने सुना है कि एक बार चंद्रशेखर आजाद उस बाग से कुछ आम तोड़ लाए थे जिसकी रखवाली करते थे चंद्रशेखर के पिता। जब उनको पता लगा तो बुरी तरह से उनको लताड़ा, दंड दिया कि खबरदार आगे से जिंदगी में कभी ऐसी भूल मत करना। कितने ऊंचे असूल थे उन लोगों के। और एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ वो चंद्रशेखर आजाद सारे क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया करता था। भगत सिंह को भी कई बार उन्होंने बचाया और सारे क्रांतिकारियों में सबसे बलवान, सबसे सदाचारी और सबसे ऊंचा संकल्प वाला कोई यदि क्रांतिकारी था तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद था। घर की तरफ कभी देखा ही नहीं, मेरे देश का क्या होगा, मेरे देशवासियों का क्या होगा। आदमी सबसे ज्यादा अपने जिंदगी से मोहब्बत करता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके खुद को बचाता है, और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके देश को बचाने का संकल्प लिया। कितने ऊंचे थे उनके भाव, कितने ऊंचे थे उनके विचार, कितने ऊंचे थे उनके संकल्प, कितने ऊंचे थे उनके जज्बात, और कितने विद्रोह की आग से वो धधक रहे थे, इसको तो आज हम सोचते हैं तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर किस देश को आजादी दिलाई, और कितने विद्रोह की आग से वो धधक रहे थे, इसको तो आज हम सोचते हैं तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर किस देश को आजादी दिलाई। आजादी के 65 वर्ष बाद भी चंद्रशेखर आजाद की वो जन्मभूमि ऐसे ही बदहाली में थी। क्या क्रांतिकारी उस सम्मान के हकदार नहीं जो उनको मिलना चाहिए? वो कभी किसी बंधन में नहीं आए, और जज्बा उनका कितना जबरदस्त था। झांसी के एक बड़े पुलिस ऑफिसर की, जबकि उनके ऊपर 27 वारंट थे, झांसी के बड़े पुलिस अधिकारी की गाड़ी चला रहे, इस मामले में उनके साहस का कोई, उनके शौर्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। ऐसे उस महान क्रांतिकारी की इस धरती पर आप लोग रहते, 32 मिनट तक 80 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ यदि कोई अकेला लड़ने का जज्बा रखता है तो चंद्रशेखर आजाद। और उनकी शहादत को सलाम करने के लिए, उनकी बलिदान को, उनकी कुर्बानी को प्रणाम करने के लिए मेरे लिए, हो सकता आपके लिए आपकी जन्मभूमि हो किसी के लिए, या उनकी कर्मभूमि हो किसी के लिए, उनके लिए व्यापार का स्थान हो, मेरे लिए तो ये भावरा किसी तीर्थ से कम नहीं है। जितना पवित्र मेरे लिए वाराणसी है, मेरे लिए काशी मथुरा है, मेरे लिए जितने ये धाम पवित्र हैं, मेरे लिए भावरा एक महातीर्थ है, और इसकी मिट्टी पर स्वयं को पाकर, इसकी मिट्टी को अपने माथे से लगा करके मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता हूं।